प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 जून तक 4 देशों के जर्मनी, स्पेन, रूस और फ्रांस के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान द्विपक्षीय वार्ता के साथ भारत में निवेश की भी चर्चा होगी। दौरे पर पीएम मोदी जर्मनी में चांसलर एंजेला मर्केल से मुलाकात करेंगे। दोनों की मुलाकात मर्केल के सरकारी आवास मेसबर्ग काउंटी रिट्रीट पर होगी। दौरे के दूसरे दिन 30 मई को मोदी और मर्केल चौथे इंडिया जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन में हिस्सा लेंगे। दोनों नेता एक बिजनेस इवेंट को भी संबोधित करेंगे, जिसमें दोनों देशों के टॉप सीईओज मौजूद होंगे। बाद में मोदी जर्मनी के प्रेसिडेंट फ्रैंक वॉल्टर से भी मुलाकात करेंगे। मोदी का 2 साल में जर्मनी का यह दूसरा दौरा है। इससे पहले वो अप्रैल 2015 में जर्मनी गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री बर्लिन से स्पेन जाएंगे, जहां प्रेसिडेंट मारियानो रजॉय से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। दोनों देशों के बीच बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सेक्टर में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। इसके अलावा आपसी हितों के अन्य मुद्दों पर भी बातचीत संभव है। इस दौरान पीएम मोदी के स्पेन के लीडिंग बिजनेस लीडर से भी मुलाकात होगी और भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए उन्हें इनवाइट भी करेंगे। स्पेन दौरे से फ्रेंडली रिलेशंस मजबूत होंगे। इसके बाद पीएम 1 जून को मॉस्को पहुंचकर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। सेंट पीटर्सबर्ग में 18वें इंडिया रशिया एनुअल समिट में हिस्सा लेंगे। पहली बार यह है कि एनुअल समिट मॉस्को से बाहर हो रही है। मोदी 2 जून को सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में भी शिरकत करेंगे। मोदी पहली बार इस फोरम में बतौर गेस्ट हिस्सा लेंगे। मोदी के साथ एनुअल समिट शुरू करने वाला रूस पहला देश है। इसके बाद मोदी सेंट पीटर्सबर्ग से पेरिस रवाना हो जाएंगे, जहां 3 जून को वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल से मिलकर दोनों देशों के आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मोदी के फ्रांस दौरों से दोनों देशों का स्ट्रेटेजिक रिलेशंस मजबूत होने की उम्मीद भी जताई जा रही है।